भाई नब मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई अब सोनीपत हूं और यहां पे बीजेपी का एक ऑफिस है, स्पेशल ऑफिस नहीं है लेकिन यू स्पेशल ही है, तो यहां बहुत सारे भाई बैठे हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, एक आधा भाई ऑन ड्यूटी भी है, मैं उसकी फ़ोटो कौन दिखाऊँ भाई यहाँ पर। तो बहुत सारे भाई बैठे हैं यहाँ पे। भाई जी राम राम। राम राम भाई। भाई साहब क्या नाम है जी आपका? रमेश। बीजेपी में किस डेजिग्नेशन पर, किस पद पे हो यहाँ पे? मैं बीजेपी में कोई पद नहीं, कार्यकर्ता। हाँ कार्यकर्ता। वाह जी वाह, ये तो चलो भाई अच्छी बात हुई। नहीं कोई पद पर होते तो मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बात करनी पड़े, तो मैं भाईचारे में बदला सकूँ। भाई जी इलेक्शन रहा है सोनीपत का, हाँ, तो किस मुद्दे पर आपने इलेक्शन जीता है या सिर्फ मोदी के नाम पर इलेक्शन जीते हैं? भाई ये मोदी की भी लहर थी और जो हमारा रमेश कौशिक यहाँ का सांसद है जी, इसकी भी छवि बहुत अच्छी थी और इसने जो है ना दूसरी बार सांसद का इलेक्शन लड़ा है जी, जो है ना कहीं ने अच्छे काम करे हैं, लोगों के मन में ये भी था और मोदी की भी बहुत बढ़िया छवि रही। अब आपको कि रमेश जी बहुत अच्छे सांसद है लेकिन इनका मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा थी, लोग इनका बहिष्कार करा करते। भाई साहब कुछ ये लोग थे जो इससे मतलब पार्टी का वो करकन है, अगर भाई ये इसकी छवि खराब करने के चक्कर में थे और अच्छा। कोई इससे जल वो नहीं था कि भाई मतलब ये गलत था, ये पहले कुछ लोग थे। हाँ मतलब मैं एक पॉलिटिकली प्रोपगंडा था वो। हाँ पॉलिटिकली बिल्कुल है ना। तो अब आगे का क्या कुछ सिस्टम रहेगा विधानसभा की, अगर हम तैयारी की बात करें? विधानसभा में बीजेपी आओगी भाई साहब अब तो, और जो है ना बीजेपी कम से कम भी 70 सीट यहाँ से लेगी विधानसभा से। इस बात का और कॉन्फिडेंस तो नहीं भाई 10 की 10 आ गई, आगे भी मोदी के नाम से लड़ांगे इलेक्शन? हाँ मोदी के नाम से लड़ा जाएगा क्योंकि लोगों का कहना भाई ये तो एमपी का इलेक्शन था, हमने सेंटर में मोदी जी, इधर अपना लोकल पे हम अपना बंदा देखेंगे, अपनी पार्टी देखेंगे। नहीं लोकल पे जो है ना जो मनोहर लाल खट्टर हैं ये भी लोकल हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, ना भ्रष्टाचार कोई, सबसे बड़ी आदेश ने जो नौकरियों में काम कराया वो अच्छा कराया है और किसी प्रकार से कोई से दुखी नहीं है मनोहर लाल से भी। तो फिर अब मनोहर लाल जी के चेहरे पे लड़ा जाएगा? बिल्कुल मनोहर लाल के चेहरे पे लड़ा जाएगा। 70 सीट कुछ ज़्यादा नहीं होगी? नहीं भाई क्योंकि 47 सीट थी अब की बार, 47-48। हाँ अब 70 कैसे आ जाऊंगी? सब विकास का मुद्दा है भाई, जो भ्रष्टाचार था वो खत्म कर दिया, अब 70-80 भी आ जाएंगे भ्रष्टाचार खत्म होने के बाद में। किसी और पार्टी से कोलेबोरेशन करोगे? नहीं कोई पार्टी जोड़ोगे साथ में, जो करे इनेलो है, जेजेपी है या और कोई? नहीं 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 बीजेपी अकेले इलेक्शन लड़ेगी, कोई अकेली? बिल्कुल अकेले। कैसे लगा है? मैंने लगता नहीं भी 70 सीट आ जाऊंगी। मतलब आप क्या चीज गिना के लोगों से वोट लोगे? सबसे बड़ी याद काम करा है इसने नौकरियों में, जो गरीब आदमियों के बच्चे बिल्कुल फ्री में लग गए हैं जी, और ये सबसे अच्छा काम है। दूसरा बात विकास भी जो है ना इसने कोई एक नहीं ये नहीं सोचा कि भाई ये मेरी सीएम सिटी है करनाल से, यहाँ से मतलब इसने एक बराबर विकास हरियाणा को दिया, बराबर करवाया है, कहीं इसने पक्षपात नहीं करा। मतलब जो करनाल में करा है वही जींद में, और जो जींद में है वही सारो तक? बिल्कुल सारे का पूरे हरियाणा में समान विकास हुआ सब। अभी मैं जेजेपी का एक दिन रैली देखूं था, वहाँ पे नवीन जैन जी उनके साथ गाड़ी में थे, दुष्यंत जैन, और वे खड़े हो गए यूँ कहते भाई वो खट्टर ने सिर्फ पंजाबियों की वोट मांग है, इससे भी कोई भाषण आए थे भाई साहब? ऐसा देखो सरकार पे इल्जाम दे लगे।